हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानपुरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो मैं जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ, ये भी गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ, ये सरायकला खरसावां डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकल के आई है। ये झारखंड की गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, तो इसका डिटेल जानने के लिए सबसे पहले तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप थोड़ी भी ना करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आप लोगों के वीडियो को हम लोग जो भी अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी दोस्तों। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों के दोस्त को अगर शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी इस एडवांटेज मिल पाएगा दोस्तों, और उन लोग अगर ये एलिजिबल हो पाएंगे तो जरूर अप्लाई करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या डिटेल निकल के आई है। तो दोस्तों हम मैं जैसे गूगल क्रोम पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सरायकेला खरसावां, बस सरायकेला खरसावां लिख देता हूँ, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो पहला वाला जो लिंक आता है झारखंड के सरायकेला NIC.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है सरायकेला खरसावां का। तो मैं यहाँ पे क्लिक जैसे ही कर दूंगा ये होम पेज पे आ जाऊंगा। होम पेज पे आने के बाद मेरे को एक ऑप्शन दिखाई देगा नोटिस का, इस नोटिस पे मैं क्लिक कर दूंगा। नोटिस पे क्लिक कर दूंगा तो सेकंड लास्ट एक ऑप्शन आएगा रिक्वायरमेंट सेलेक्ट रिजल्ट, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो हम लोग का जितने भी रिक्वायरमेंट आएंगे सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और इसका रिजल्ट जितने आएंगे सब यहीं पे शो हो जाएंगे। तो इसीलिए स्किप थोड़ी भी ना करें, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं जहाँ से जैसे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करते जाए, आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड हो जाएगा और उसका डिटेल भी आप लोग देख पाएंगे, या तो फिर मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं रिक्वायरमेंट और रिजल्ट में आ गया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, दो अभी मेंशन किया गया है। तो पहला वाला जो दिया गया है ये देखिए, ये अभी लेटेस्ट जॉब निकल के आई है, 11/2 को पोस्ट हुआ है, ये सरायकेला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकल के आई है सरायकेला खरसावां। तो इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग को चाहिए, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। एक PDF निकल के आ जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये सामने पे आ गया, डाउनलोड हो गया है, ओपन हो गया। यहाँ पे दिया गया है देखिए, राज्य नोडल पदाधिकारी RKSK के प्राप्तांक 208 RH RCH दिनांक 21/1/2019 के आलोक में सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत संविदा के आधार पर AH काउंसलर में स्वीकृत 8 पदों की नियुक्ति, इसमें टोटल 8 पदों की नियुक्ति हो रही है, जिसमें से जो दिया गया है विज्ञापन संख्या भी दिया गया है, या तो फिर जिला का वेबसाइट दिया गया है www.saraikela.nic.in पर प्रकाशित करते हुए बोल के ये मेंशन किया गया है। इसका जो दिनांक दिया गया है देखिए, दिनांक 14/2/2019 को अपराह्न 5 बजे तक सिविल सृजन कार्यालय सरायकेला खरसावां में निलंबित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब ये लास्ट डेट जो दिया गया है 14/2/2019 को दिखाई दे रहा है, 5 बजे शाम तक आप इसको निलंबित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरह से करना होगा वो नीचे में मेंशन होगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, ये ऑफलाइन है, और क्या क्या डिटेल है नीचे जाके हम लोग एक बार देख लेते हैं। नीचे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर डिटेल मेंशन किया गया है, ये जो मैसेज है ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ के सुना दिया, ये देख लेते हैं कि क्या है। प्रोग्रामर है RKSK, ये प्रोग्रामर है। उसके बाद स्वीकृत पदों की संख्या दिया गया है 8, पोस्ट है एज काउंसलर, कोटी दिया गया है, कोटी के आधार से ये डिवाइड किया गया है, जनरल के लिए 4 है और ST के लिए 4 है, टोटल 8 पोस्ट। इसमें सैलरी रेंज जो दी गई है 9,240 दिया गया है, इसमें पोस्ट दिया गया है, फिर क्वालिफिकेशन कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी सोशल वर्क, ये सब मेंशन किया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट, डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ मिनिमम 1-3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया है। तो ये सब आप लोग अगर कर चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, तो आप लोग इस ट्रेड से जो जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, साइकोलॉजी सोशल वर्क, सोशोलॉजी दिया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट दिया गया है, और में दिया गया है फिर होल्ड डिप्लोमा इन नर्सिंग विथ 1-3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, अगर आप लोग ये सब कंप्लीट किए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं AH काउंसलर में। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो दिया गया है नॉलेज, इसमें नॉलेज आप लोगों का होना चाहिए। एडोलेसेंट में दिया गया है डेवलपमेंटल स्टेज में आप लोगों की नॉलेज होना चाहिए। तीसरा वाला पॉइंट जो दिया गया है उसमें गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ MX ऑफिस
में भी आप लोगों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि बेसिक अगर कंप्यूटर आप लोग किए हुए हैं DCA वगैरह, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। के बाद ये उसका क्वालिफिकेशन का डिटेल हो गया। नीचे चलते हैं, नीचे में क्या दिया गया है, चयन की शर्तें, क्या क्या इसकी शर्तें हैं चयन की, जिसमें से मैं दो चार बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इतने पॉइंट्स हैं इसीलिए सारे पढ़ के समझाना तो पॉसिबल नहीं है, और आप लोग तो समझ ही जाएंगे। यहाँ पे हिंदी में ही दिया गया है। संविदा के आधार पे आधार पर स्वीकृत मानदे में विरोध उन्हें कार्य करने की अनुबंधित किया जाएगा। उपरोक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमन होगा। तो ये किस किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शन होगा, क्या क्या होगा, प्रोसीजर क्या रहेगा, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अनुरूप समिति द्वारा शॉर्टलिस्टेड विद्यार्थियों को आगे की चयन की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पे किस तरह से सिलेक्शन होगा, उन लोगों का शॉर्टलिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का बुलाया जाएगा, उसके आधार से होगा चयन प्रक्रिया। जैसे लास्ट वाला दिया गया है, देखिए चयन प्रक्रिया के किसी भी अवस्था में यदि किसी विद्यार्थी द्वारा दी गई सूचना यानी कि प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र आदि गलत पाए जाए, तो उस उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आप लोग यहाँ पे कुछ भी फेक चीज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर जांच में पकड़े गए तो आप लोगों की कानूनी कार्रवाई भी हो जाएगी, साथ ही साथ रिजेक्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो रूल्स दिए गए हैं, तो ये रूल्स को आप लोगों को पढ़ के समझना बहुत ही जरूरी है। नीचे दिया गया है चयन की प्रक्रिया, आप लोगों के चयन अगर होगी तो किस तरह से होगी। पहला पॉइंट दिया गया है विद्यार्थी के चयन लिखित परीक्षा के आधार से होगी बोल के दिया गया है। उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट वगैरह होगा। उसके बाद सभी उम्मीदवार निलंबित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आवेदन पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। हाँ, ये चीज दिया गया है। तीसरा, आप लोगों को जो निलंबित डाक या स्पीड पोस्ट के आधार से ही आप लोगों को भेजना होगा बोल के दिया गया है। फिर इसमें और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे चौथा नंबर भी दिया गया है, पांचवा नंबर दिया गया है, मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे छठवां नंबर इसमें दिया गया है, एज के लिमिट के आधार से दिया गया, न्यूनतम 18 दिया गया और अधिकतम दिया गया है 60। तो आप लोगों का 18 से 60 वाले एज वाले ही इसको भर सकते हैं। और कितना यहाँ पे फोटो लगेगा, जो जो जाति प्रमाण पत्र सब कुछ अटैच करके आप लोगों को भेजना होगा, जिसमें आप लोगों का लिफाफा दिया गया है। देखिए 32 रुपये का डाक टिकट भी संलग्न साथ में चिपका के भेजना होगा। तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगेगा, पहला दिया गया है 12 नंबर में, देखिए जाति प्रमाण पत्र SDO या DC के अंतर्गत। फिर दूसरा दिया गया स्थानीय प्रमाण पत्र, ये दिया गया 30C नंबर में, जो दिया गया है उम्र मैट्रिक एडमिट कार्ड के आधार से उम्र का। फिर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट होना चाहिए आप लोगों की। फिर 3 में तकनीकी प्रमाण पत्र, मार्कशीट होना चाहिए। फिर F नंबर में जो दिया गया है लास्ट में, आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चीज़ दिया गया है। तो जो दो क्वालिफिकेशन है उसके आधार से आप लोग देख के साथ में अटैच करके ये फॉर्म भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। इस पद के लिए बढ़ रहे हैं, पद तो ऐसे एक ही दिया गया है, उस पद के लिए फिर नाम दिया गया है। अभी देखा पिता पति का नाम, स्थानीय पता, पत्राचार का पता और आवेदक का मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब फॉर्म को आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। और ये हार्ड कॉपी सब कुछ अटैच करके आप लोगों को भेजना पड़ेगा, जो दिया गया है सरायकेला का। यहाँ पे सबसे पहले ही जो मेंशन किया गया है उसका एड्रेस देखिए सिविल से, ये यहाँ पे आप लोगों को भेजना पड़ेगा सारा हार्ड कॉपी साथ में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। दोस्तों, इसमें से कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ भी गलतियाँ दिख रही हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं, या कुछ समझ में ना आए तब भी आप लोग कमेंट करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा दें। थैंक यू दोस्तों।